बाइबल अध्ययन श्रृंखला के इस अगले सत्र में आपका स्वागत है। आज हम प्रेरितों के काम 15वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। 13वें अध्याय में हमने अंताकिया की मंडली के विषय में सीखा और किस प्रकार उन्होंने प्रार्थना करके बरनबास और शाऊल को सेवकाई में भेजा था। 14वें अध्याय में हमने देखा कि उनके प्रथम प्रचार यात्रा के दूसरे भाग में वे लोग किस प्रकार इकोनियम, लुस्त्रा और दिर्बे में सेवा करने के पश्चात फिर जहाज मार्ग से वो लोग अंताकिया आते हैं और परमेश्वर की गवाही देते हैं कि किस प्रकार उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह से अन्य जातियों में सुसमाचार सुनाया और कैसे परमेश्वर ने अन्य जातियों को विश्वास में लाने के लिए एक बहुत बड़ा द्वार खोल दिया। 15वें अध्याय में प्रवेश करने से पहले कुछ पृष्ठभूमि में आपको दे दूं। यरूशलेम की मंडली में सेवा शुरू हुई थी। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में वहाँ पर लोग एकत्रित थे, पवित्र आत्मा उनके पर उतरा था और उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के पश्चात कलीसिया का आरंभ किया था और अब सेवा बढ़ रही है। आपको याद होगा वहाँ से निकलकर, यानी कि यरूशलेम से निकलकर समरिया होते हुए वे लोग कैसरिया तक पहुँचे थे और उसके पश्चात अब सालों बाद यहाँ पर अंताकिया की मंडली के द्वारा सेवा बढ़ती जा रही है। अन्य जाति लोग प्रभु में आ रहे हैं और यहूदी मत के लोग जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया था उन्हें एक रीति से तो खुशी थी कि अन्य लोग भी सुसमाचार सुन रहे थे, लेकिन उनके विचारों में एक परिवर्तन की आवश्यकता थी क्योंकि वे ये सोच रहे थे अन्य जाति लोग जो प्रभु में आ रहे हैं यानी कि यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर रहे हैं उन्हें यहूदी मत की आवश्यकताओं को और डिमांड्स को पूरा करना जरूरी था। यहूदी मत में आने वालों के लिए ये ज़रूरी था कि वे खतना करें और यहूदी खाने और पीने और जीने के नियमों का पालन करें। लेकिन अब 15वें अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार इस बात ने एक तकरार को उत्पन्न किया और कलीसियाओं ने मिलकर किस प्रकार पवित्र आत्मा की प्रेरणा में आकर आपस में बैठ कर बात कर कर समस्या को हल किया। आगे बढ़ने से पहले ही मैं बोल दूं, हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी नमूना है इस अध्याय के अंदर, क्योंकि ये 15वां अध्याय बहुत ही अहम भूमिका रखता है मेरे और आपके लिए, क्योंकि इस अध्याय के आधार पर हमें यहूदी बंधनों से मुक्त होकर यीशु मसीह के पीछे चलने की आज़ादी मिल गई है। अलग अलग परंपरा, अलग अलग सभ्यता, अलग अलग भाषा बोलने वाले हम लोगों को ये प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा और अनुग्रह के द्वारा उद्धार मिला है, इस बात को ये अध्याय हमारे लिए साबित करेगा। तो चलिए अपन पढ़ते हैं 15वें अध्याय की पहली कुछ आयतों को मैं पढ़ूंगा। फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे। अंताकिया की बात हो रही है। कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना न हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। वो लोग ये सिखाने लगे यहूदिया से आकर अंताकिया में, जहां पर अन्य जाति लोग थे, कहने लगे तुमने अगर खतना नहीं कराया है तो तुम्हारा पूरा पूरा उद्धार नहीं हुआ है। दूसरी आयत, जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ तो ये ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाएं। आपको याद होगा पिछली बार वे लोग भेंट लेकर यरूशलेम गए थे, लेकिन इस बार वे लोग एक वाद विवाद को सुलझाने के लिए यरूशलेम जाने को तैयार हुए हैं। तीसरी आयत, अतः कलीसिया ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वे फिनिके और सामरिये से होते हुए अन्य जातियों के मन फिराने का समाचार सुनाते गए और सब भाई बहुत आनंदित हुए। जहाज मार्ग से नहीं गए, थल मार्ग से जा रहे हैं, फिनिके से होते हुए, सामरिये से होते हुए, और जहां जहां वे जा रहे हैं अन्य जाति लोग हैं और वहां पर प्रभु का सुसमाचार वे सुना रहे हैं, लोग उद्धार पा रहे हैं और सब लोग आनंदित हो रहे हैं। याद रखिए मुद्दा सुलझाने का है, विषय उनके पास है कि क्या जो यहूदी नहीं हैं वे जब प्रभु में आते हैं तो उन्हें यहूदी नियमों का पालन करना जरूरी है क्या। मुद्दा यह है, हम आगे देखेंगे। चौथी आयत में लिखा है, जब वे यरूशलेम पहुंचे तो कलीसिया और प्रेरित और प्राचीन उनसे आनंद के साथ मिले और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे कैसे काम किए थे। हमने 14वें अध्याय के अंदर इस बात को देखा था कि परमेश्वर ने उनके साथ काम किया। एक जगह पौलुस बाद में कहेगा हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं
और वही बात यहाँ पर आ रही है, परमेश्वर के साथ या परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे कैसे काम किए। कलीसिया ने, यरूशलेम की कलीसिया ने उनका स्वागत किया, प्राचीनों ने, प्रेरितों ने और आम सभा ने उनको आनंद से स्वीकार किया। हालांकि बात झगड़े उत्पन्न करने वाली थी या फिर झगड़ा हो सकता था, लेकिन लोगों ने उन्हें आनंद से स्वीकार किया। पांचवी आयत, परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से कुछ ने उठकर कहा। बात सब हो गई, सब सलाम दुआ हो गई, बैठ गए। अब बात आई मुद्दे की, परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था, विश्वासी हैं लेकिन यहूदी भी हैं और यहूदियों में भी फरीसियों के पंथ के हैं, उन्होंने कुछ बात उठाकर कही और कहा, उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए, यानी कि अन्य जातियों को जो प्रभु में आते हैं। छठी आयत, तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। तब पत्रस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा। बहुत वाद विवाद हुआ, बहुत कुछ इस पक्ष ने, उस पक्ष ने, इन लोगों ने, उन लोगों ने उस कमरे में कहा होगा, वाद विवाद हुआ। वाद विवाद होने के पश्चात यहाँ पर इस अध्याय के अंदर हम तीन लोगों को कुछ बातों को कहते हुए हम सुनते हैं। पहला पत्रस है, उसके बाद बरनबास और पौलुस है, और उसके बाद याकूब है। तीन लोगों के बारे में लूका हमें यहाँ पर बताता है, लेकिन सबसे पहले पत्रस खड़ा होता है। आपको याद होगा दसवें अध्याय के अंदर कुरनेलियुस के विषय में परमेश्वर ने उसे सीधा दर्शन देकर कहा था, जाओ वो अन्य जाति है लेकिन तुम वहां पर जाओ क्योंकि मैंने उन्हें उद्धार के लिए ठहराया है। हम आगे पढ़ रहे हैं। सात आयत, तब पत्रस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया। बहुत दिन हुए, समय नहीं दिया गया है, वापस वो वाक्यांश का प्रयोग, बहुत दिन हुए, ओके, बहुत दिन हुए कि परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जाति सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। ये कुरनेलियुस का वृतांत है, आपको मैंने बताया। आठवीं आयत, मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे न हमारे बाप दादा उठा सके थे और हम न उठा सके हैं। ग्यारहवीं आयत, हाँ, हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उस रीति से हम भी पाएंगे। पत्रस की दलील देखिए, वो कह रहा है मुझे प्रभु ने तुम में से चुना और ये मेरी योजना नहीं थी, लेकिन मुझे दर्शन देकर अन्य जातियों के पास भेजा, मैं वहां पर गया और सुसमाचार जब उन्हें सुनाया तो मेरे कुछ करने के कारण नहीं, जब मैं संदेश दे रहा था वे अपने आप पवित्र आत्मा से भर गए और प्रभु के कार्यों का वर्णन वहां पर करने लगे। पत्रस ये बात स्थापित कर रहा है, मन का जांचने वाला धर्म का नहीं, रंग का नहीं, किस मंडली में हो उसका नहीं, कहां से आए हो उसका नहीं, मन का जांचने वाले परमेश्वर ने उनके मन को शुद्ध करके हम में और उनमें कोई भेद नहीं रखा। पत्रस यहां पर स्पष्ट रीति से बता रहा है, मुझे प्रभु ने भेजा, प्रभु ने वहां उन पर आत्मा उंडेला और उनको शुद्ध कर दिया, और अगर ऐसा हुआ है तो हम कौन हैं परमेश्वर का विरोध कर सके। हनन्याह और सफीरा से बात करते समय पांचवें अध्याय में पत्रस ने उनसे यह बात कही थी, तुमने परमेश्वर से यानी कि पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के लिए कैसे हिम्मत करी। कुछ उसी अंदाज में वो यहां कह रहा है, हम क्यों या तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हो। और ये बहुत अद्भुत बात ग्यारहवीं आयत में कहता है, जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे। देखिए पत्रस यहां कह रहा है, अन्य जातियों का उद्धार खतना रखने के द्वारा नहीं या यहूदी नियमों के पालन के द्वारा नहीं, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा प्रदत्त या दिए जाने वाले उद्धार के कारण होगा। और अब वो पासा पलट कर कह रहा है, देखिए, जिस रीति से वे यानी अन्य जाति प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उस रीति से हम भी पाएंगे। हम यहूदी हैं, हमारे पास नियम है, कानून है, हमने मूसा की व्यवस्था का पालन किया है, ये सारी बातें हमने की हैं, लेकिन पत्रस अब विश्वास से एक घोषणा कर रहा है। क्या कर रहा है? मूसा के नियम के आधार पर नहीं, लेकिन अनुग्रह के द्वारा, जो यीशु मसीह के द्वारा मुझ पर और आप पर हुआ है, हम उद्धार पाएंगे।
पत्रस अपना भाषण खत्म कर बैठ जाता है। इतनी बड़ी बात जब कही, 12 आयत में लिखा है, तब सारी सभा चुपचाप शांत हो गए। वो लोग, पत्रस ने कहा, साहब मेरे हाथ से ये काम हुआ था। और जब वो कहता है, अब बरनबास और पौलुस को वे सुनने लगे कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे कैसे बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए थे। जब वे चुप हुए, यहां पर लूका एक ही आयत में बरनबास और पौलुस के विषय में बात कहता है, क्योंकि 13 और 14 अध्यायों में हमने पढ़ लिया है, उसने हमें लिखकर बता दिया है कि कैसे कैसे अद्भुत काम परमेश्वर ने अन्य जातियों के मध्य में किए। तो यहाँ पर एक ही आयत में वो समेट कर कहता है, तब सारी सभा चुपचाप बरनबास और पौलुस को सुनने लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। अब आती बारी याकूब की, वहां 13 आयत में लिखा है, जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा। ये कौन याकूब है और इसकी क्या पदवी है यरूशलेम की उस कलीसिया के अंदर? कुछ आयतों का अपन देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के और भी अन्य भाई थे, लेकिन वे उस पर विश्वास नहीं करते थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। ऐसा इतिहास बताता है कि ये प्रभु यीशु मसीह का भाई ही था याकूब। 21 अध्याय के 18 आयत में इसी पुस्तक के और 12 के 17 में भी इसी याकूब का वर्णन आया है। प्रेरितों के काम 12 का 17 मैं आपके लिए खोल रहा हूं। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहें और उनको बताए कि प्रभु किस रीति से उसे बंदीगृह से निकाला है। फिर कहा, याकूब और भाइयों को ये बता देना। पत्रस बंदीगृह से मुक्त होकर 12वें अध्याय में आया था और वो लोगों को शांत कर कहता है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, लेकिन याकूब को ज़रूर बता देना। ये वही याकूब है जो उस समय की यरूशलेम की कलीसिया के अंदर प्राचीन था और प्रभु यीशु मसीह का भाई भी था। एक और आयत में आपके लिए पढ़ लो, 21 अध्याय और उसकी 18 आयत में क्या लिखा है, देखते हैं। प्रेरित के काम 21 अध्याय उसकी 18 आयत, दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया। याकूब यरूशलेम की मंडली के अंदर इतने सालों के बीतने के पश्चात, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के पश्चात, पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के पश्चात, यरूशलेम की कलीसिया में एक अहम भूमिका रखता था और इसलिए अब याकूब की बारी आई बोलने के लिए। लौट कर आते हैं प्रेरित के काम 15 अध्याय के अंदर 13वीं आयत में, जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा, हे भाइयों मेरी सुनो, शमौन ने बताया। वो पत्रस के विषय कह रहा है और उसके मूल नाम से उसे पुकार कर कहता है, शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। इससे भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी मिलती है और अब वो आमोस की पुस्तक से, यानी कि आमोस की भविष्यवाणी से कुछ उदाहरण हमको देगा और वहां पर 9 अध्याय, आमोस 9 अध्याय और 11 और 12 आयतों को वो लेकर हमें बताएगा। इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा। 17 आयत में, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति शब्द पर आप गौर करिए, जो मेरे नाम के कहलाते हैं, प्रभु को ढूंढें। ये वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। आमोस की भविष्यवाणी को याकूब यहां पर लेकर आता। आप देख रहे हैं, शुरू से पुराने नियम के उदाहरणों को लेकर प्रभु के दास लोग सुसमाचार सुना रहे हैं। कभी कभी आज के प्रचारक लोग कहते हैं, हम केवल नए नियम से प्रचार करेंगे, हम पुराने नियम पर विश्वास नहीं करते। एक बात मैं आपको बताऊं, नए नियम पुराने नियम के बिना अधूरा है और पुराना नियम नए नियम की परछाई है। तो ये दोनों आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में भी उसने बहुत बार पुराने नियम की आयतों का प्रयोग किया। यहां पर भी आप देखिए, पत्रस ने ऐसा किया हमने देखा, स्तेफनुस ने किया हमने देखा, पौलुस ने अपने संदेश के अंदर पुराने नियम का प्रयोग किया और अब याकूब इस बात को आगे बढ़ा रहा और अब आमोस से लेकर उनको समझाने का प्रयास कर रहा है। अब 19 आयत में वो कहता है, इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख न दें।
परंतु उन्हें लिख भेजे कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटे हुओं के मांस से और लहू से दूर रहें, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर मूसा की व्यवस्था का प्रचार करने वाले होते चले आए हैं और वह हर सप्त के दिन आराधनालय में पड़ी जाती। याकूब एक बुद्धि की बात कहता है, चारों तरफ यहूदी लोग रह रहे हैं, चारों तरफ मूसा की व्यवस्था का प्रचार किया जा रहा है, लोग उसको मान रहे हैं, लोग उसका सम्मान कर रहे हैं और कुछ हद तक इस बात को भी लोग समझ रहे हैं कि ये जो नया विचार या नया रास्ता या नया विश्वास अब बढ़ रहा है यहूदियों से किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए याकूब कह रहा है, चार बातों को मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ, उनका सुझाव मैं देना चाहता हूँ। क्या क्या? मूर्तों की अशुद्धताओं, वे विचार, गला घोंटे हुओं के मांस और लहू से दूर रहें, चार बातों को। और याकूब कहता है कि हम अन्य जाति पर दोष न लगाएं, उनको दबाव में न लाएं, उन पर बोझ न डालें। पतरस ने पहले ही कह दिया, ये बोझ हम खुद उठा नहीं पाए, हम दूसरों को ये बोझ क्यों दें। 22 आयत, तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों को अच्छा लगा कि अपने में से कुछ मनुष्यों को चुने। रुकिए एक क्षण, आप देख रहे हैं याकूब ने बात कह दी, हो सकता है याकूब की पदवी होगी, हो सकता है याकूब को इतना सम्मान प्राप्त होगा कि उसने जो कह दिया वो ठहर गया, या फिर याकूब ने इसके बाद लोगों से पूछा होगा, सबने अपनी सहमति दी होगी, उसका विवरण हमारे पास नहीं है। लेकिन पहले पतरस ने कहा, उसके बाद पौलुस और बरनबास ने अपनी बात कही और याकूब अब आमोस की पुस्तक से बातों को कहकर उनसे ये चार बातों का निवेदन करता है और ऐसा लग रहा है सब ने उस बात को मान लिया है। और अब वो क्या कर रहे हैं, 22 आयत में लिखा है, उन्होंने चिट्ठी बनाने के निर्णय किया और कहा कि इस चिट्ठी को हम भेजेंगे ही नहीं, हमारे में से कुछ लोगों को चुनेंगे जो इस पत्र को लेकर जाएंगे और लोगों को बताएंगे। तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों को अच्छा लगा कि अपने में से कुछ मनुष्यों को चुने, अर्थात अब नाम आ रहे हैं, देखिए यहूदा जो बरसब्बा कहलाता है और सिलास को जो भाइयों में मुखिया थे, सेवकों में, भाइयों में, यानी कि एक प्रकार का क्रम हमको यरूशलेम की मंडली में भी देखने को मिल रहा है। अंताकिया में हमने देखा बशुद वक्ता है, उपदेशक है, यहाँ पर देखिए भाई लोग हैं, सेवक लोग हैं, प्रेरित हैं, प्राचीन हैं, और जो भाइयों में मुख्य थे दो व्यक्तियों का नाम यहाँ पर आया, क्या क्या है, यहूदा जो बरसब्बा कहलाता है और सिलास को जो भाइयों में मुखिया थे और उन्हें पौलुस और बरनबास के साथ अंताकिया भेजें, इस बात का उन्होंने निर्णय किया। 23वीं आयत से आगे हम पढ़ते हैं, उन्होंने उनके हाथ ये लिख भेजा अंताकिया और सीरिया और किलकिया के रहने वाले भाइयों को जो अन्य जातियों में से हैं, प्रेरितों और प्राचीन भाइयों का नमस्कार। चिट्ठी वे लेकर जाएंगे, कौन कौन लेकर जाएंगे, यहूदा जो बरसब्बा कहलाता है, सिलास, पौलुस और बरनबास। अब वहाँ पर आप देखिए अंताकिया के अलावा सीरिया और किलकिया नाम आया है। हमने पिछले अध्यायों में पौलुस की प्रथम प्रचार यात्रा का वर्णन पढ़ा था और हमने इन दो नामों को वहाँ पर अंकित नहीं देखा, तो यहाँ उनका नाम कैसे आया? ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि अंताकिया आने से पहले कुछ वर्ष शाउल तरसूस में अपने शहर में रह रहा था और वहाँ रहते हुए उसने कुछ सेवा करी थी और उसके तहत ही इन प्रांतों में सीरिया और किलकिया के अंदर भी कलीसियाएँ शुरू हुई थी। वहां पर वे खत लिखकर भेज रहे हैं, प्रेरितों और प्राचीन भाइयों का नमस्कार। अब आगे देखिए क्या लिखा है, हमने सुना है कि हम में से, यानी कि यरूशलेम की कलीसिया में से कुछ ने वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया है और तुम्हारे मन उलट दिए हैं, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी, हमने नहीं भेजा था, लेकिन उन्होंने क्या कहा, हम यरूशलेम के हैं, हम प्रभु को मानते हैं और हम यरूशलेम से आए हैं, इसलिए तुम्हें हमारी बात को मानना पड़ेगा। गलातियों को लिखी हुई पत्री के अंदर पौलुस इनका जिक्र करेगा और गलातियों को लिखी हुई पत्री पहले अध्याय की 7 आयत के अंदर पौलुस इनके बारे में कहता है और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते। वही शब्द यहाँ पर आया, हमने उन्हें नहीं भेजा, हमने उन्हें आज्ञा नहीं दी। 25 आयत,
इसलिए हमने एक चित होकर ठीक समझा कि चुने हुए मनुष्यों को अपने प्रिय बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजें। प्रिय बरनबास और पौलुस को तुम्हारे पास भेजें, ये ऐसे मनुष्य हैं। अब इनके बारे में यरूशलेम की मंडली गवाही दे रही है, ये ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं। इसलिए हमने यहूदा और सिलास को भेजा है जो अपने मुंह से भी ये बातें कह देंगे, यानी कि हम तो लिखकर तुमको दे ही रहे हैं लेकिन अपने मुंह से भी ये बातें तुमको कह देंगे। अब आप देखिए 28 आयत में, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा। बहुत भारी भारी शब्द है। वह खत में क्या लिख रहे हैं? पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा। 14वें अध्याय के अंदर हमने पढ़ा था पवित्र आत्मा और परमेश्वर ने कैसे इनके साथ होकर बड़े बड़े चमत्कार किए थे। 15वें अध्याय में भी हमने वो बात पढ़ी थी कि परमेश्वर ने कैसे इनका उपयोग सेवकाई के लिए किया था। तो आप देख रहे हैं 28 आयत में पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़कर, यानी कि वो चार आवश्यक बातों को छोड़कर तुम पर और बोझ न डालें। 29 आयत कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो, इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा आगे शुभ। चार बातें वो खत पर लिख देते हैं। एक, मूर्तों पर बलि किए हुओं से, यानी कि मूर्ति पूजा से तुमको परे रहना है। यहां पर उद्देश्य केवल भोजन से ही नहीं है लेकिन मूर्ति पूजा परमेश्वर से मुझे और आपको दूर ले चली जाती है। और आपको मालूम है मूर्तियां कई बार दीवार पर होती हैं तो कई बार फोटो में, लेकिन अक्सर दिलों में होती हैं। आज की तारीख में तो ऐसी हर बात जो आपको परमेश्वर से, जीवित परमेश्वर से दूर करती है, चाहे वो संबंध हो, चाहे तकनीक हो, चाहे लोग हो, चाहे परिस्थिति हो, चाहे परिवार ही क्यों ना हो, जो आपको परमेश्वर से दूर करती है मेरे लिए और आपके लिए मूर्ति पूजा के बराबर है। तो मूर्तों पर बलि की हुओं से और लहू से यानी कि हत्या से और गला घोटे हुओं के मांस से, यानी कि यहूदियों के बीच में परंपरा थी कि गला घोटे हुए वे मांस को नहीं खाते थे और इसलिए उसको भी उन्होंने बताया। और चौथी बात, व्यभिचार से दूर रहो। हर मूल में वहाँ पर जो शब्द आया है, हर प्रकार के शारीरिक वासनाओं से तुम दूर रहो। ये चार बातें उनको कही और उसके बाद कहा इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा आगे शुभ। इस बात को हम यहां पर समझना चाहते हैं कि यरूशलेम के कलीसिया में सेवा शुरू हुई थी, अंताकिया की कलीसिया में सेवा हो रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि अंताकिया की कलीसिया यरूशलेम की सेवकाई के अधीन थी या अंडर में थी या हेडक्वार्टर यरूशलेम में था, ऐसा नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं प्रेम के कारण, आदर के कारण, एक दूसरे के अधीन आने के कारण अंताकिया में जो सेवा हो रही है, पौलुस और बरनबास के द्वारा जो कलीसियाओं की स्थापना हो रही है, वे अपने आप से जानते हुए यरूशलेम की कलीसिया के अधीन वे लोग आ रहे हैं। इसलिए यही प्रेम अब यरूशलेम के प्राचीर उनकी ओर दिखाकर कह रहे हैं हम तुम्हें हुकूमत नहीं दे रहे, हम तुम्हारे पर बोझ नहीं डाल रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं तुम्हारा भला होगा अगर इन बातों को करोगे आगे शुभ। 30 आयत से आगे लिखा है फिर वे विदा होकर अंताकिया पहुंचे, यानी कि यरूशलेम से अब लौटकर कहां गए, वापस अंताकिया पहुंचे और सभा को इकट्ठी करके वह पत्री उन्हें दी। वे पत्री पढ़कर उस उपदेश की बात से अति आनंदित हो गए। कहां के लोग? अंताकिया के अन्य जाति विश्वासी अति आनंदित हो गए कि यरूशलेम के विश्वासियों ने, यहूदी मत के विश्वासियों ने उन्हें यह आजादी दे दी है कि उन्हें अब यहूदी मत स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा उद्धार जो कि अनुग्रह से उन्हें प्राप्त हुआ है उसी पर वे लोग बने रह सकते हैं। यहूदा और सिलास ने, जो आप भी भविष्यद्वक्ता थे, बहुत बातों से भाइयों को उपदेश देकर स्थिर किया। यहूदा और सिलास भविष्यद्वक्ता है, अंताकिया में वो लोग सेवा कर रहे हैं। पहले भी कई लोग अंताकिया आ चुके हैं, यरूशलेम से एक मानो आना जाना लगा हुआ है यरूशलेम की कलीसिया में और अंताकिया की कलीसिया में, और अब इस बार यहूदा और सिलास भविष्यद्वाणी कर रहे हैं। 33 आयत में वे कुछ दिन रहकर भाइयों से शांति के साथ विदा हुए कि अपने भेजने वालों के पास जाए। कुछ दिन रहकर प्रेम से शांति के साथ विदा हुए, यानी कि जब उन्होंने बात आकर रखी वहां पर खुशी हुई, लोग आनंदित हुए और अब प्रेम पूर्वक शांति के साथ इन दोनों को विदा कर रहे हैं। 34 आयत में
और वो भी कोष्टक में लिखा है, आपकी हिंदी बाइबल में आप देख सकते हैं। परंतु सिलास को वहां रहना अच्छा लगा। जब ये बात कोष्टक में, अभी की नई बाइबल में इस प्रकार कोष्टक में आई है, तो इसका अर्थ ये है कि कई प्रतिलिपियों में ये पाया नहीं जाता है, कुछ में पाया जाता है। क्योंकि बात इसलिए उठ रही है, आगे आप देख रहे हैं कि सिलास अगर यरूशलेम फिर से अंताकिया से चला गया है, तो बाद में पौलुस के साथ सेवा वो कैसे करेगा, क्योंकि अगले अध्याय में हम पौलुस और सिलास को साथ में सेवा करते हुए देखेंगे। खैर, उस बात को वहीं छोड़ते हैं, 35 में आते हैं। परंतु पौलुस और बरनबास अंताकिया में रह गए और अन्य बहुत से लोगों के साथ प्रभु के वचन का उपदेश करते और सुसमाचार सुनाते रहे। देखिए, सेवा बढ़ रही है, कलीसिया बढ़ रही है। और 13वें अध्याय में हमने देखा बहुत भविष्यद्वक्ता हैं, बहुत उपदेशक हैं। और अब 35 आयत में क्या लिखा है, अन्य बहुत से लोगों के साथ प्रभु के वचन का उपदेश करते और सुसमाचार सुनाते रहे। 15वें अध्याय में वाद विवाद उठा और उन्होंने प्रेम पूर्वक इस मुद्दे को सुलझा लिया। और अब सुलझाने के बाद पत्र लेकर ये लोग अंताकिया आए, वहाँ पर पढ़कर सुनाया और सब लोग खुश हुए। और अब एक झुंड वापस लौट गया है और यहाँ पर ये लोग रहकर, अंताकिया में रहकर, पौलुस और बरनबास, और हम ऐसा सोच सकते हैं सिलास भी होगा, वे लोग सुसमाचार सुना रहे हैं। अब 36 आयत से आगे, कुछ दिन बाद, वापस वो शब्द आ गया, कुछ दिन बाद, समय स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वे कैसे हैं। कुछ समय निकल गया था, अब उनके मन में आया, जाकर अपन उनको फिर से प्रोत्साहित करते हैं, फिर से उनको प्रभु में दृढ़ करते हैं। तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया। आपको याद होगा, प्रथम यात्रा के अंदर उसने इन्हें छोड़ दिया था और वापस यरूशलेम चला गया था। 38 आयत में पौलुस कहता है, परंतु पौलुस ने उसे, जो पंफूलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ न गया था, साथ ले जाना अच्छा न समझा। पौलुस ने स्पष्ट कह दिया, मरकुस हमारे साथ नहीं आ सकता। लेकिन कुलोसियों के लिए पत्री 4:10 आयत में हम देखते हैं बरनबास और मरकुस एक दूसरे के रिश्तेदार थे, न केवल उसके कारण, लेकिन बरनबास तो शांति का पुत्र था, प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति था, शायद मरकुस को एक और मौका देना चाहता था। कुछ भी हो, वो कहता है उसको अपन ले चलते साथ में। अब ये बात फिर उठती है कि यरूशलेम से मरकुस अंताकिया कब आया, इसका विवरण हमारे पास नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बरनबास मरकुस को लेकर उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन पौलुस स्पष्ट था, मरकुस को लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि पिछली बार उसने हमारे साथ धोखा किया था, हमको छोड़कर चला गया था, इस बार वो नहीं आएगा। 39 में लिखा है, और लूका कुछ छुपाता नहीं है, खुलकर लिख रहा है, अतः ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए। मरकुस को लेकर ऐसा विवाद उठा, बरनबास अड़ गया कि मैं उसको एक और मौका देना चाहता हूं, उसको लेकर मैं सेवा में जाऊंगा। पौलुस ने कहा, नहीं, उसको लेकर मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया, जहां से वो आया था, 4 अध्याय में आपको याद होगा। और 40वीं आयत में क्या लिखा, परंतु पौलुस ने सिलास को चुन लिया। आपको याद होगा, सिलास यरूशलेम से यहाँ पर अंताकिया आए था, सिलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा, जाकर वहाँ से चला गया। भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा जाकर, अंताकिया की मंडली दोनों को अनुमोदित कर रही है, दो टीमों को प्रार्थना करके भेज रही है। आपको याद होगा, प्रथम प्रचार यात्रा के अंदर उन्होंने अपनी सेवा साइप्रस से ही शुरू करी थी। तो पहला झुंड बरनबास और मरकुस का है, वे लोग साइप्रस की ओर चले गए, जहाँ पर पिछली बार उन्होंने सेवा शुरू करी थी। और अब दूसरा झुंड कलीसिया उनको भी प्रार्थना करके भेज रही है, जिसमें पौलुस और सिलास हैं। और 41 आयत में लिखा है, और वो कलीसियाओं को स्थिर करता हुआ सीरिया और किलकिया से होता हुआ निकला। अब ये अपना रूट बदल रहा है, पहली टीम अगर साइप्रस गई है तो वह सिलास को लेते हुए थल मार्ग से सीरिया और किलकिया से अब उन शहरों को जाएगा, जहां पर उसने प्रथम प्रचार यात्रा में कलीसियाओं की स्थापना बरनबास के साथ करी थी। पिछली बार वो पश्चिमी छोर से आया था, समुद्री यात्रा करते हुए, आपको याद है, पिसिदिया अंताकिया से होते हुए उन प्रांतों में लुस्त्रा और दिर्बे में आया था, लेकिन इस बार वो तरसूस से होते हुए, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं, सीरिया और किलकिया की ओर प्रस्थान करेगा।
मैं विश्वास करता हूं आपने 15वें अध्याय के अंदर कुछ बातों को सीखा होगा, कैसे वाद विवाद सुलझाना, कैसे एक दूसरे के अधीन आना, कैसे परमेश्वर के भय में बने रहना, कैसे निरंतर सेवा करना, और खास करके जब वाद विवाद उठ जाए और दो रास्तों को अपनाना पड़े तो बिना कटुता के प्रेम पूर्वक एक दूसरे को मान सम्मान देते हुए कलीसिया की प्रार्थनाओं के साथ कैसे सेवकाई को जारी रखना हमको 15वां अध्याय सिखाता है। 15वें अध्याय के अंदर जो कुछ हुआ उसके कारण आज मैं और आप यहूदी मत के बंधन में नहीं हैं, लेकिन अनुग्रह के द्वारा हमने यीशु मसीह का उद्धार पाया है, और ये यहूदी नियमों के पालना के द्वारा नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मुझे और आपको यह सौभाग्य मिला है। 15वां अध्याय महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय के आधार पर हम सीख रहे हैं कि हम किस प्रकार यहूदी मत के बंधन के अधीन नहीं है परंतु हमारा उद्धार अनुग्रह के द्वारा विश्वास के द्वारा हुआ है, और इस बात के लिए हमेशा हमको परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है और उन लोगों के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देना है जिन्होंने बुद्धिपूर्वक पवित्र आत्मा की प्रेरणा में इन बातों को लिख दिया। और एक और बात मैं आपको बताऊं, आज भी ये वाद विवाद चल रहा है, जो अपने आप को पुराने मसीह कहते हैं या जो कहते हैं हमारे पास मसीहत की परंपरा है, जब नए लोग विश्वास में आते हैं तो वे अपने रीतियों को उन पर थोपने का प्रयास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह नहीं, लोग अपनी रीतियों को अन्यों पर थोपने का प्रयास करते हैं। आपसे मैं आग्रह करता हूं, ऐसी कोई बात आपके दिल में तो नहीं जो कि बाइबल के अंदर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कही है, लेकिन फिर भी आप दूसरों से अपेक्षा करते हैं। मेरी ये प्रार्थना है इन सारे बंधनों से छूटकर अनुग्रह के संदेश को, सुसमाचार को हम निरंतर लोगों में फैलाते चले जाएं, और जिनको हमने स्थापित किया है, जिनको प्रभु विश्वास में लाया है, उन्हें और भी दृढ़ करते चले जाएं। एक हाथ में हमको सुसमाचार देना है, लेकिन दूसरे हाथ में हमको जिन्हें हमने पहले सुसमाचार सुनाया है उन्हें निरंतर दृढ़ भी करते रहना है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।